दोस्तों नमस्कार। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा CHSL और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा SBI क्लर्क की जो वैकेंसी है CHSL की, तो एग्ज़ाम हो भी रही थी जो पोस्टपोन्ड हो गई है और फिर बाद में निकट भविष्य में बहुत जल्दी होगी और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क की वैकेंसी आ गई है। जून में फर्स्ट प्री एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं अगर कोविड के सिचुएशन नॉर्मल हुए तो, और जुलाई में मेंस एग्ज़ाम होंगे। इसे कुछ अर्थमेटिक बनाने का प्रयास करते हैं। आज का सवाल है CHSL SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो जो इस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उसके अर्थमेटिक को हम आज करने का प्रयास करते हैं। तो आइए बिना देर के हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल वेवी क्लास और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर CM झा। तो दोस्तों बिना देर के हुए आइए शुरू करते हैं बिना किसी लाग लपेट के। अभी से हम क्वेश्चन नंबर 63 को लेकर चलते हैं। एक त्रिभुज ABC के केंद्रक समझ रहे हैं, ये कोई ट्रायंगल है ABC, इसका ये सेंट्रोइड होता है जो सारे एंगल को बाइसेक्ट करते हुए निकलते हैं। ये 2:1 में डिवाइड करता है सारे को, ये ध्यान रखना है। जो सेंट्रोइड होता है जी, ये सारे जो लाइंस हैं इसको 2:1 में डिवाइड करता है। इसका ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको 6-4, बी दिया है -2:2 और सेंट्रोइड भी दिया हुआ है -1-2। थर्ड कोऑर्डिनेट निकालना है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो XY है सेंट्रोइड, x होता है x1 + x2 + x3 / 3। इसमें आप सॉल्व कर देंगे, x1 कितना भी, ये तो x दिया हुआ है आपको सेंट्रोइड, दिस इज द -1 बराबर x1, ये हो गया 6 प्लस x2 इसका है -2 प्लस x3/3, 3 - 3, 6 में 2 = 4 प्लस x3, इसको इधर लाइएगा तो x3 का वैल्यू -7, x3 - 7 देखिए 2 में है, इसमें भी है इसमें भी है। अगर हमारा 1 रहता तो हम सॉल्व बता देते हैं आंसर, अब तो हमको चेक करना पड़ेगा। देन y3 भी निकालिए, y3 के लिए अगर हम जाते हैं तो फिर हो जाएगा -2 = -4 + 2 + y3/3, -6 = 4 - 2 + y3, इसको इधर ले आइए -6 + 2 y3 = -4, दिस इज द ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 करते हैं। बोल रहा है कि 4-2 यानी पॉइंट आपको दिया हुआ है, दिस इज द x1 = 4, y1 = -2 और दूसरा है x2 = -3, y2 = 5 आपको दिया हुआ है। इसका ढाल मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, दिस इज द क्या होता था tan थीटा, यानी कि m बराबर y2 - y1 / x2 - x1, 5 - -2 / -3 - 4, यानी 7 / -7, दिस इज द माइनस वन, ये हो गया स्लोप इज द -1। समांतर रेखा ये बोला जा रहा है। देखिए ऐसे भी अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा 10th में या 12th में, तो आपको पता होगा कि दो लाइन अगर पैरेलल है यानी कि समांतर है तो m1 × m2 यानी वैल्यू -1, अगर ये पैरेलल है तो वैल्यू -1 आता है, और अगर परपेंडिकुलर है यानी लंबवत है तो tan θ = 1, यानी m1 × m2 = 1 होता है दो लाइन का। तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं कि इतना और इतना बिंदु से गुजरने वाली रेखा के समांतर रेखा का स्लोप ज्ञात करें, तो दो लाइन है और वो लाइन समानांतर है, दैट इज द पैरेलल, यानी स्लोप -1 होगा। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 24% की छूट देने पर एक कपड़े धोने की मशीन की बिक्री 38,000 में है। एकदम आसान है, आपके पास क्या क्या होता है, MRP पे आप देते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद आपको मिल जाता है सेलिंग प्राइस SP के बाद आपका होता है CP। तो अभी आप देखिए MRP मालूम नहीं है, X कर देते हैं, डिस्काउंट दिया 24% ये पता है, SP इसको मिल गया 38,000, तो इससे तो आप x निकाल सकते हैं ना, x में 24,000 अगर डिस्काउंट देगा तो 76% यानी 76x/100, ये आपका सेलिंग प्राइस 38,000, तो x कितना हो जाएगा 38,000
हंड्रेड बाय 76, 38 से 2 जा 1000 और 2 से 50, यानी एमआरपी निकल गया 50,000। अब बोल रहा है कि यदि 40% की छूट देती है, 40% का तो बेचता कितना में, 60% में ना, तो 50,000 का 60% कितना हो जाएगा, कितना मुंह से निकाल देंगे आप, 30,000 रुपये, 6×5 30, दिस इज द 30,000। बिना किसी परेशानी का अगर आसानी से सॉल्व करना चाहेंगे तो हर एक सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और विद इन टाइम एक भी सवाल 10 से 15 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा। एक वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। आप सेंटेंस समझिए, एक वर्ग, वर्ग मतलब दैट इज द स्क्वायर, एक स्क्वायर का क्या है डायगोनल, ये इक्वल है डायगोनल, ये इक्वल है उसका समबाहु त्रिभुज, दिस इज द इक्विलेटरियल ट्रेंगल, अगर आप बना दीजिए तो ये इक्विलेटरियल ट्रेंगल, ये साइड स्क्वायर का ए है, ये ए रूट टू होगा, तो ये भी ए रूट टू है। अभी आपको दिया हुआ है उस वर्ग का क्षेत्रफल 15√3 है, यानी एरिया ऑफ द स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 15√3, तो ए इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, निकालना ही नहीं है, आपको पूछा जा रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, तो ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है ना 15√3, और एरिया ऑफ इक्विलेटरियल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो √3/4 मल्टीप्लाई साइड इसका कितना है ए रूट टू का होल स्क्वायर, यानी √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर और √2 का स्क्वायर 2, 2 × 4, √3/2 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर का वैल्यू 15√3, तो 15 और √3 √3 45/2, दिस इज द 22.5 कहीं है 45/2, वेरी गुड, वर्ग स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको सवाल पढ़ने हैं, सवाल पढ़ के उसके बारे में सोचना है, ज़्यादा नहीं, बस जितना उस बारे में आपको जानकारी है उतनी जानकारी के हिसाब से आपको सोचना है, जैसे उतना आप सोच लेंगे तो सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। कोई भी सवाल, किसी भी प्रकार का सवाल दिया हो, यदि एक समकोण वृत्ताकार शंकु, परपेंडिकुलर जो कोण होता है, सिंपल सा चीज़ है, ये आपका एक कोण है, ये पर यहाँ से आप ले लीजिए, दिस इज द वृत्ताकार शंकु, वक्र सतह का क्षेत्रफल ये एल है, और वक्र सतह का मतलब ये वाला एरिया दिया हुआ है, दिस इज द पाई आर एल आपको दिया हुआ है 3080, उसके बाद तिरछी ऊंचाई यानी एल भी दिया हुआ है, तो पाई आर इज इक्वल टू 3080 बाय एल, एल यानी 35, कटा दीजिए 57 जा 56 जा 16, 7 से भी कट जाएगा 56, 88, पाई आर इज इक्वल टू निकल गया आपके पास 88, उसका कुल सतह क्षेत्रफल टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए क्या होता है पाई आर एल, अब प्लस इसके साथ ऐड हो जाएगा दिस वाला पाई आर स्क्वायर, तो ये तो 3080 आपको दिया हुआ है, दिस इज द पाई आर एल, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आपको पाई आर मालूम है, आर तो नहीं मालूम है, तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू 28/π/22 ऊपर 7 4 28, यहाँ पुट कर दीजिए पाई 22/7 आर स्क्वायर 28 × 28 गुणा कर दीजिए 3080 प्लस 22 × 4 88 × 28 बहुत ही आसानी से आप गुणा कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 88 20, 16 और 8 24, 2464, 3080 प्लस 2464 ऐड कर दीजिए 4 8 6 14, 4 1 5 3 2 5, 5 5 4 4, 5 5 4 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कोण। क्वेश्चन नंबर 69 में कॉसेक एन 11 π/6, पहले 11π/6 कितना होता है, 11π/6 11 180/6 30
330, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 330 को अगर हमको लिखना है तो 330 हमारा हो जाएगा 270 प्लस 60। 270 कितना हो गया, 9 से 9 इंटू 3, 90 इंटू 3, जिस मीन्स पाई बाय टू इंटू 3 आप लिख सकते हैं, पाई बाय टू प्लस 60। तो कॉसेक में जब इसको वैल्यू लेंगे, दिस इज द माइनस कॉसेक 60, माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू माइनस 2, आपका माइनस 2। सेम माइनस कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। इसको जब सॉल्व करेंगे आप जाएंगे एडवांस मैथमेटिक्स बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी।